अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीआई। मैथमेटिक्स लेके आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले दो क्वेश्चन किए, आज जो तीसरा क्वेश्चन है सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। ए कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? Question samjhane ki koshish karenge. Ek contractor jo hai ye plan kar raha hai, iska irada hai ek park mein 2 slides banane ka, जिस पे ये बच्चे जो है वो सवारी खाते हैं। एक स्लाइड जो है ये उन बच्चों के लिए है जो 5 साल से कम है, यानी कि जिनकी उम्र जो है जो 5 साल से छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक स्लाइड है, और उन बच्चों के लिए जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं, जैसे कि आप लोग हो मैट्रिक क्लास के। वैसे आप तो 5 साल से बहुत ज्यादा ऊपर हो, समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक स्लाइड जो है ये छोटे बच्चों के लिए जिनकी उम्र 5 साल से कम है, और एक स्लाइड उन बच्चों के लिए है जो 5 साल से बड़े हैं। कैसे स्लाइड्स है? वो वाली स्लाइड जो छोटे बच्चों के लिए है उसकी हाइट जो है वो है 1.5 मीटर। उसकी जो हाइट है ऐसे, ये एक स्लाइड हम मानेंगे, इस स्लाइड का नाम देंगे हम ए बी। ये तो जमीन पे ही होगी ये स्लाइड, और इस स्लाइड की जो हाइट है ये वाली हाइट ये 1.5 मीटर है, और इस स्लाइड का जो स्टीप वाला हिस्सा है ये ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितने डिग्री। यहां पे पहला अगर आप लोग देखोगे ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, यानी कि ऐसे है। ये एक स्लाइड है, यहां पे ये इंक्लाइनड जो है ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। और जो दूसरी स्लाइड है वो उन बच्चों के लिए है जो 5 साल से बड़े हैं, ये दूसरी स्लाइड है। इस स्लाइड का हम नाम मानेंगे ये है पी क्यू, और इसकी हाइट जो है ये है 3 मीटर, इसकी हाइट है 3 मीटर, और ये एंगल कितना बना रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, यहां पे ये 60 डिग्री का एंगल है। हमने इन दो केसेस में क्या करना है, यहां पे ये जो स्लाइड बन रही है इस स्लाइड की भी लेंथ हमने निकालनी है, और इस स्लाइड की भी हमने लेंथ निकालनी है, यानी कि इस केस में हमने निकालना है एसी और इस वाले केस में निकालना है ये पीआर। ये क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर है, 2 स्लाइड्स बना रहा है, बनाने का इरादा कर रहा है पार्क में बनाने के लिए। इन जो 2 स्लाइड्स है, एक स्लाइड छोटे बच्चों के लिए है और एक स्लाइड बड़े बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चों के लिए उसकी हाइट है 1.5 मीटर, और एंगल जो है ये स्लाइड जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री बना रहा है, और दूसरी जो स्लाइड है उसकी हाइट जो है वो है 3 मीटर, ये बड़े बच्चों के लिए है। एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। हमने इन 2 केसेस में क्या करना है, इस स्लाइड की हमने लेंथ निकालनी है एसी, और इस केस में हमने इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है, दैट इज पीआर। होप समझ में आया होगा। 2 केसेस है, सॉल्यूशन यहां पे हम लिखेंगे फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। पहले हम इस स्लाइड का केस हल करेंगे, उन बच्चों के लिए जो बच्चे 5 साल से कम है। इसमें क्या है, इस वाले केस में ए बी जो है ये क्या है बेटा, इट इज द हाइट ऑफ द स्लाइड, और ए सी क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे है 30 डिग्री। ए बी इज द
height of slide which is equal to 1.5 meter. और यहां पे AC क्या है? Let AC be the length of slide. इस slide की हम length मानेंगे. और angle of elevation कितना यहां पे है? Angle ACB कितना है? Angle ACB is equal to 30 degree. यहां पे अगर हम बात करेंगे रेशियोज की, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, यहां पे आप लोग चेक कर सकते हो. दिया है परपेंडिकुलर, निकालना क्या है? निकालना है हाइपोटन्यूज. परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज का अगर आप लोग तज़किरा देखोगे किस में आता है? साइन में भी है और कॉसेक में भी. हम यहां पे ऐसे लिखेंगे, साइन पहले लिखेंगे कौन सी ट्रायंगल का हम ऑपरेशन कर रहे हैं. इन ट्रायंगल एबीसी जो साइन 30 डिग्री है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री. लेकिन यहां पे पहले देखेंगे हम साइन खुद किसके बराबर है. इट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर दैट इज एबी, यहां पे परपेंडिकुलर एबी है और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? एसी. अब यहां पे साइन 30 इट इज इक्वल टू 1/2. ए बी इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर. ए सी ये तो हमने निकालना है. 1 into AC इज ए सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड 2 into 1.5 इज 3 मीटर. ये किसकी लेंथ यहां पे निकली बेटा? फिलहाल एक स्लाइड की लेंथ तो निकाली. अब यहां पे दूसरे केस में आ जाएंगे. फॉर Children above 5 years, वो वाले बच्चे जो 5 साल से बड़ी उम्र में है, यहां पे कौन सी ट्रायंगल है और हाइट क्या है, लेंथ क्या है स्लाइड का? यहां पे PQ इज द हाइट ऑफ स्लाइड और स्लाइड कौन सी है? लेट PR बी द लेंथ ऑफ स्लाइड. ठीक. अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू विच इज इक्वल टू 6. अब यहां पे हम कौन सी ट्रायंगल का ऑपरेशन करेंगे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर. यहां पे बेटा परपेंडिकुलर दिया है, निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का तज़किरा किस में है? साइन में भी है, कॉसेक में भी है. तो यहां पे हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू, साइन खुद किसके बराबर? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है? पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज इज पी आर. अब यहां पे साइन 60, इसका वैल्यू यहां पे दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2. ये साइन 60 का वैल्यू है. पी क्यू, पी क्यू यहां पे कितना है बेटा? 3 मीटर. एंड पी आर इट इज द हाइपोटेन्यूज विच इज विच वी हैव टू फाइंड. तो यहां पे पी आर का वैल्यू वापस लिखेंगे पी आर. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पी आर इंटू अंडर रूट 3 इज अंडर रूट ऑफ 3 पी आर इक्वल टू 2 into 3 इज 6 मीटर. अब पी आर का वैल्यू निकालना है, दैट इज 6 मीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3. अंडर रूट ऑफ 3 डिनोमिनेटर में है, क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन. पी आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 मीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 इंटू, इसी अंडर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लीकेशन भी होगा और डिविजन भी होगा. पी आर इक्वल टू 6 into under root 3 इज 6 under root of 3 meter. अंडर रूट ऑफ 3 into under root of 3 इज अंडर रूट ऑफ 3 square. स्क्वायर रूट तो गया, 3 1 r 3 2 r. पी आर इज इक्वल टू 2 under root of 3 meter. ये आपका क्वेश्चन था. क्या क्या निकालना था? इस वाली स्लाइड की लेंथ निकालनी थी एसी विच इज इक्वल टू 3 मीटर, ये है. और इस वाले दूसरे केस में लेंथ ऑफ स्लाइड पी आर
दैट इज इक्वल टू 2√3 meters. ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. टेक केयर, खुदा हाफिज़.